हाय गाइस, हमारे चैनल ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आपको मात्रक पद्धति करा रहे थे, तो उसमें कुछ इकाइयां बताई थी मैंने आपको, कुछ मात्रक बताए थे और कौन सी इकाई किस पद्धति के द्वारा यूज की जाती है, प्रयोग में की जाती है। जैसे ये सब बताया था, कुछ इकाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि एसआई पद्धति के द्वारा हमारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यूज की जाती हैं और कुछ इकाइयाँ एक राष्ट्रीय लेवल पर यूज की जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुछ ब्रिटेन की पद्धति बताई थी आपको, फ्रांस की पद्धति बताई थी, ऐसे ही मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बताई थी जो कि एसआई पद्धति की को हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं और यह एमकेएस पद्धति का विस्तृत रूप है, जो कि मैंने आपको वीडियो में बता दिया था। तो अब बात करते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक उसी से संबंधित है हमारा, कुछ नया नहीं है उसमें, कुछ यूनिट जो कि रह गई थी उन्हीं पर आज चर्चा करेंगे, उन्हीं के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे खगोलीय इकाई। देखो, खगोलीय इकाई यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये क्या होती है? अगर आपसे पूछा जाए खगोलीय इकाई क्या होती है और क्या इसका मान होता है, तो आपको बताना सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है उसे बोलते हैं खगोलीय इकाई, और इसका मान होता है हमारा 1.494 × 10⁸। ये इसका मान होता है। अगर आपको औसतम बताना है इसका मान, तो आप कह सकते हो 15 करोड़ किलोमीटर, यानी कि जो सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी होती है वो 15 करोड़ किलोमीटर होती है। चलिए पहले लिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इंच क्या होती है, मील क्या होती है, फैदम क्या होती है, नॉटिकल मील क्या होती है, पाउंड क्या होती है, आउंस क्या होती है, गज क्या होता है, ये सभी के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताएंगे खगोलीय इकाई। तो जैसा कि मैंने बताया था, सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी जिसे हम कहते हैं खगोलीय इकाई। अब इसका मान बता देते हैं, एयू, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एयू, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इसका मान होता हमारा 1.495 × 10⁸ किलोमीटर, ये इसका मान होता है। अगर आपसे पूछ लिया है कि औसतम, ये मैंने आपको एग्जैक्ट मान होता है पृथ्वी से सूर्य के बीच का एग्जैक्ट मान ये होता है। अगर आपसे पूछा जाए औसतम मान कितना होता है या औसतम दूरी कितनी होती है पृथ्वी से सूर्य के बीच की, तो आपको बताना है 15 करोड़। औसतम पंद्रह करोड़ किलोमीटर। तो ये मैं आपको खगोलीय इकाई। तो अब बात करते हैं इंच की। देखो, एक इंच का मान होता है 2.54 सेंटीमीटर। इसी तरह बात करें गज की, तो एक गज में होते हमारे 3 फीट। अब बात कर रहे हैं मील की, इनके बारे में बताएंगे कि मील किस, मतलब क्या मापने का कार्य करती है और मील का मान कितना होता है। तो मील हमारी जो हमारी स्थल होती है, स्थलीय जो है धरती होती है, या एक तरह से कह सकते हो रोड होती है, तो स्थल की माप के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मील का। इसका मान होता है 1.6 किलोमीटर। इसी तरह होता है नॉटिकल मील। तो नॉटिकल मील, देखो मैंने आपको स्थल की माल स्थलीय लंबाई मापने का बताया, तो वो होता है हमारा मील। अगर बात कर दिया जल की लंबाई मापने है, तो होता है नॉटिकल मील। नॉटिकल मील में जल की लंबाई मापी जाती है, जिसका मान होता है 1.8 किलोमीटर। इसी तरह एक होता है हमारा फैदम। फैदम से क्या करते हैं, हम जल की गहराई नापते हैं, और फैदम का मान पूछ लिया जाए तो वो होता है 6 फीट। इसी तरह आउंस होता है हमारा, और भी होते हैं जैसे विस्वा होता है, विस्वा का मान होता है हमारा 1350 वर्ग फीट, जो कि हमारे एक क्षेत्रफल होता है उसको मापने का कार्य करता है। तो चलिए पहले मैं इंच का लिखाता हूं आपको, इंच। तो इंच का मान होता हमारा 2.5
4 सेंटीमीटर। इसी तरह बात करते हैं यार्ड, यानी कि गज की, तो गज का मान होता हमारा 3 फीट। चलिए अब बात करते हैं मील की, मील, तो मील हम स्थल की लंबाई मापते हैं मील से, स्थल की लंबाई, तो मील से हम स्थल की लंबाई मापते हैं। अब बात करते हैं इसके मान की, अगर इसका मान पूछ लिया जाता तो होता 1.6 किलोमीटर, यानी कि 1.6 किलोमीटर एक मील के बराबर होता है। इस तरह बात करते हैं नॉटिकल मील की, जैसे कि स्थल की माप के लिए हमें मील का प्रयोग करते हैं, इस तरह नॉटिकल मील का प्रयोग करते हैं हम जल की लंबाई के मापने में, किसकी, जल की लंबाई, नॉटिकल मील इसका प्रयोग करते हैं जल की लंबाई। इसका मान होता हमारा 1.8 किलोमीटर। अगर मैं आपसे कहूं कि एक नॉटिकल मील कितने मील के बराबर होती है, तो आपको बताना है 1.15 मील, यानी कि एक हमारी नॉटिकल मील जिससे हम जल की लंबाई नापते हैं उसका मान होता है 1.15 मील के बराबर। इसी तरह बात करते हैं फैदम की, फैदम, इससे क्या होता है, जैसे आपने देखा हुआ समुद्र होता है हमारे, और भी तालाब होते हैं, तो जिनसे इनकी गहराई नापते हैं, गहराई मतलब अंदर तक की, तो इससे हम नापते हैं गहराई, समुद्र या कह सकते हो जल, समुद्र की गहराई, तो इसका मान बता देते, इसका मान होता है 6 फीट, जो कि मैंने आपको इसका मान बताया। अगर मैं आपसे कहूं इसका मान यानी कि मीटर में बताएं, यानी किस कितना मीटर होता है, तो मीटर में पूछ लिया था तो इसका होता है 1.829 मीटर, ये इसका मान होता है, जो कि मैंने आपको लिखा दिया। चलिए अब थोड़ा आने वाले और क्वेश्चन हम चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि और क्या होता है हमारे, एक आउंस होती है, विसवा होता है हमारे, पाउंड होती है, इनके बारे में। तो देखिए विसवा क्या होता है, आपने देखा होगा जो खेत होते हैं हमारे, और भी जैसे जमीन का अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होता तो हम विसवा में ज्ञात करते हैं, विसवा, तो एक विसवा बराबर होता हमारा 1350 वर्ग मीटर। इसी तरह अब बात कर लेते हैं आउंस की, तो आउंस में हालांकि हम वो वजन मापते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था पाउंड बताया था कल, ऐसे ही आउंस होता है, आउंस जो कि पाउंड से छोटी इकाई होती है। आउंस इसका मान होता है 28.35 ग्राम, जिसमें हम वजन मापते हैं। तो अब चर्चा करते हैं पाउंड की, बताते हैं पाउंड, तो पाउंड 16 आउंस के बराबर होता है। अच्छा दोस्तों मैं पाउंड के बारे में इतना बताऊंगा, कल मैंने पढ़ाया था, तो कल मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन में जो पद्धति अपनाई गई है वो होती है हमारी एमकेएस पद्धति, और एमकेएस पद्धति के अनुसार वजन या कह सकते हो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता हमारा पाउंड। लेकिन अगर आप कहो अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार, तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार वजन या द्रव्यमान का मात्रक होता हमारा किलोग्राम, लेकिन वो पद्धति कहां पे अपनाई गई है, ब्रिटेन में, तो इसलिए ब्रिटेन में ही वजन को पाउंड में नापा जाता है। लेकिन अगर बात करें हमारे यहाँ की या अंतरराष्ट्रीय लेवल की, तो वहां पे किलोग्राम में मापा जाता है। चलिए मैंने आपको विसवा और आउंस और पाउंड बता दिया, अब थोड़ा सा एक पॉइंट हमारा ऐसा है जो कि सौरमंडल से संबंधित है, जो कि मैं आपको लिखा देता हूँ, जैसे कि
एक होता है हमारा उपग्रह और एक होता है ग्रह। इसी तरह सूर्य होता है जो कि एक तारा है, और एक होता है हमारा आकाशगंगा। तो देखो किस प्रकार है, जो उपग्रह होता है वो हमारा ग्रह की परिक्रमा करता है, और जो ग्रह होता है वो हमारा सूर्य या कह सकते हो तारा की परिक्रमा करता है, और जो सूर्य होता है वो हमारा आकाशगंगा की परिक्रमा करता है। तो देखो इन सब का तो हम आपको उस टाइम में भी बता देंगे जब हम सौरमंडल आपको पढ़ाएंगे, लेकिन इससे एक पॉइंट ये बनता है जो सूर्य आकाशगंगा का चक्कर करता है उस चक्कर को क्या कहते हैं, और उस चक्कर का जो एक मान होता है एग्जैक्ट मान होता है वो कितना होता है। तो देखिए तो ये चक्कर दो मात्राओं पूरे किया जाता है, एक होता है अगर न्यूनतम और एक होता है अधिकतम। तो ये सूर्य जो आकाशगंगा का चक्कर लगाता है वो न्यूनतम 22/1/2 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। अगर बात करें अधिकतम तो अधिकतम वह 25 करोड़ वर्ष में। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो जो सूर्य मंदाकिनी या फिर आकाशगंगा का जो चक्र पूरा करता है वो हमारा अधिकतम माने तो 25 करोड़ करता है, अगर न्यूनतम माने तो 22.5 करोड़ में। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि इसे हम कहते क्या हैं, जो सूर्य परिक्रमा करता है इसे कहते हैं हम ब्रह्मांड वर्ष वर्ष, या कह सकते हैं कॉस्मोस कॉस्मोस ईयर। तो दोस्तों मैंने आपको कुछ इकाइयां के बारे में बता दिया, और भी छोटी मोटी काफी इकाइयां रह गई हैं जिनके बारे में आपको इसे मिटार के बताता हूं। हाँ दोस्तों जैसे कि मैंने काफी इकाइयां आपको बता दी हैं, ऐसे ही कुछ जो इकाइयां रह गई हैं उनके बारे में बताता हूं। जैसे कि एक होती है हमारी क्यूसेक, इससे क्या होता है हम द्रव का प्रवाह मापते हैं, जैसे कोई पानी बह रहा होता है या फिर कोई भी द्रव हमारा बहता है तो इसका जो प्रवाह होता है वो मापते हैं। इसी तरह एक होती है हमारी कैरेट, कैरेट में हम आपको पता है ज़्यादातर तो सभी को इतना पता है कि कैरेट में हम सोने की शुद्धता मापते हैं, लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ, कैरेट में हम हीरे का वजन भी माप सकते हैं। क्या? हीरे का वजन। और मतलब कि देखो 24 कैरेट होता है जिसमें कि शुद्ध 100% सोना पाया जाता है, एक होता है हमारा 22 कैरेट, तो 22 कैरेट होता है उसमें 2 कैरेट तांबा मिला के तब वो जो सोना होता है वो आभूषण बनाने योग्य हो जाता है, और उसी सोने के आभूषण बनते हैं। तो चलो पहले मैं आपको लिखा देता हूँ। तो पहले क्या लिखा रहे थे हम आपको, क्यूसेक जो कि हमारे द्रव का प्रभाव मापते हैं। प्रवाह है। अब बात करते हैं कैरेट की। तो दोस्तों कैरेट से हम दो चीजें मापते हैं, एक होती है सोने की शुद्धता दूसरा होता है हीरे का वजन। वजन तो देखिए सोने की शुद्धता के बारे में बता रहे हैं तो इतना और बता देते हैं, सर्वाधिक आगत वर्धनीयता जो कि सोने की होती है। अब बात करते हैं आगत वर्धनीयता क्या होती है, तो मैं आपको बता देता हूं, एक इतना सा हम छोटा मतलब बहुत ही कम मात्रा में अगर सोना ले उतनी मात्रा में हम अन्य धातु लें तो क्या होता है, सोने को पिघलाकर छोटे से सोने को पिघलाकर एक लंबा तार भी बनाया जा सकता है उससे। लेकिन और किसी धातु लें जैसे कि लोहा लें या फिर और भी कुछ काफ़ी धातु होते हो जैसे सिल्वर होता है हमारा और पीतल होता है, ये सब लें तो उन्हें हम
अधिक ताप पर गर्म नहीं कर सकते। अगर हम अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो वो जल के राख हो जाएंगे। लेकिन सोना एकमात्र ऐसी धातु है जिसकी आगत वर्धनीयता सबसे अधिक होती है, जिससे हम देखा हुआ आपने सोनार सोने के छोटे छोटे से गहने भी बना देता है। लेकिन अगर हम और वस्तुओं के या और धातुओं के गहने बनाने लगें तो वो पिघल के ही राख हो जाती है, यानी कि उनमें जो ताप सहने की शक्ति होती है वो नहीं होती। लेकिन सोना एकमात्र ऐसी धातु होती है जिसमें ताप सहने की शक्ति सबसे अधिक होती है, इसी बोलते हैं आगत वर्धनीयता। सोने की आगत वर्धनीयता सबसे अधिक होती है, अधिक। अच्छा, तो अब बात करते हैं लगे हाथ में। आपको ये भी बता देता हूं कि देखो हीरा होता है, हीरा सबसे बड़ा हीरा कौन सा होता है, सर्वाधिक महंगा हीरा कौन सा होता है, हीरे का वजन कितना होता है और हीरे की जो कैरेट में उसे हम मापते हैं वो किस तरीके से। देखिए तो हम आपको बताते हैं, सबसे अगर बात करें बड़ा हीरा की और बात करें कीमती या कह सकते हो महंगा, तो सबसे बड़ा हीरा होता है हमारा कुलिनॉन, कुलिनॉन, और सबसे कीमती होता हमारा कोहिनूर। तो देखिए जो कुलिनॉन हीरा होता है वो होता हमारा 400 ग्राम का, और जो कोहिनूर होता है वो होता हमारा 21.6 ग्राम का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कैरेट में हीरे की शुद्ध हीरे का जो वजन मापा जाता है। देखो ये वजन हो गया, अब बात करते हैं कैरेट का और ग्राम का क्या मतलब होता है, यानी एक ग्राम में 5 कैरेट होते हैं हमारे, लेकिन किसके अनुसार, हीरे के अनुसार। तो इस 400 ग्राम में कितने कैरेट हो जाएंगे हमारे, 2000, 4 × 5 = 20, 2000 कैरेट हो जाएंगे। इसी तरह बात करें 21.6 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 106 कैरेट। तो जो हमारा कोहिनूर हीरा है वो 106 कैरेट का है, और जो हमारा कुलिनॉन हीरा है वो हमारा 2000 कैरेट का। तो मैं आपको बता देता हूं, सर्वप्रथम जो कोहिनूर हीरा जो पाया गया था वो हमारे आंध्र प्रदेश से पाया गया था। आंध्र प्रदेश में एक खान होती है गोलकुंडा खान, जिससे हीरा पाया गया था, और जिसे एक नेपोलियन कहा जाता है, जो कि हमारे एक ब्रिटेन से एक शासक था, ब्रिटेन का एक शासक था जो कि नादर शाह नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे भारत से उसे ले गया। तब हमारे यहाँ पे जो भारत में उस टाइम पे मोहम्मद शाह का शासक था, उससे उसने युद्ध में परास्त किया और उससे वो ले गया हीरे को, कोहिनूर हीरा। तो फिलहाल में जो हीरा है कोहिनूर हीरा है तो वो ब्रिटेन की महारानी के जो मुकुट होता है उसमें है। तो चलिए हमने आपको ये बता दिया, तो अब बात करते हैं कुछ और की। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कैरेट बता दिया, अब थोड़ा सा कैरेट के बारे में और बता देता हूँ। जैसे कैरेट जो 24 कैरेट होता है, 24 कैरेट तो ये होता हमारा 100% शुद्ध सोना। जो कि हमारा 24 कैरेट में होता है। अब बात करते हैं, देखो शुद्ध सोने से हम आभूषण नहीं बना सकते, लेकिन हालांकि बहुत सारी वस्तु होती हैं जो कि शुद्ध सोने की बनती हैं, लेकिन आभूषण होते हैं वो बनते हैं हमारे 22 कैरेट के। तो 22 कैरेट सोना, और इसमें 2 कैरेट जो कि सोने के स्थान पे हम मिलाते हैं उसमें तांबा, 2 कैरेट तांबा, तब जाके इससे बनते हैं हमारे आभूषण। तो जैसा कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा दोस्तों, अब कुछ यूनिटों के बारे में और बता देता हूं मैं आपको। जैसे कि
जैसे क्या होता है कि जो द्रव होता है हमारा, तो द्रव को मापने के लिए आपने देखा है कि हम लीटर मापते हैं, और एक यूनिट और होती है जैसे कि गैलन होती है, और गैलन से भी बड़ी एक यूनिट होती है बैरल, जिसमें हम सर्वाधिक जो कि हमारा द्रव होता है उसे माप सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मील होती है वो बड़ी यूनिट होती है, और अगर छोटी यूनिट होती है तो वो क्या होती है हमारी किलोमीटर, उससे भी छोटी मीटर, ऐसे काफी यूनिट होती है। तो मैं आपका क्रम बता दूंगा, तरल पदार्थ माप में। तो देखिए तरल पदार्थ किस मापते हम, तो एक मापते हम लीटर में, उसके बाद मापते हम गैलन में, और उसके बाद मापते हैं वैरल में। तो देखिए ऐसे, तो अब मैं आपको जो वैरल होता है उसका मान बता देता हूं। तो वैरल से हम मापते हैं तो इसका मान होता है 159 लीटर, तो इतना इसका मान होता है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी गैलन में कितना मान होता है, तो गैलन का मान होता है हमारा 1.785 लीटर, और जो वैरल होती है वो तरल या फिर द्रव मापने की सबसे बड़ी यूनिट होती है। जैसा कि मैंने आपको इनका क्रम बता दिया, सबसे छोटी होती है हमारी लीटर, उससे बड़ी गैलन, और उससे बड़ी वैरल होती है। तो सभी का मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों आज का हमारा जो क्लास है वो मैंने आपको जो मात्रक पद्धति के सारे यूनिट्स जितने भी मात्रक थे जो कि मैंने आपको बता दिए। तो अब बात करते हैं हम कल के टॉपिक की, तो कल के टॉपिक में फिर मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों क्लास को विराम देते हैं, और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और हमारा डेटा जो भी हम करा रहे हैं आपको, जो भी कंटेंट करा रहे हैं आपको अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा कंटेंट करा रहे हैं जो कि जिस अक्षरकार पेपर में आया गया। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।